चुनाव से पहले भाजपा को झटका लगा है। बीजेपी के कई दिग्गज नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा। आपको बता दें कि विजय राघवगढ़ के पूर्व एमएलए ने कांग्रेस का हाथ थाम लिया है, वहीं ध्रुव प्रताप सिंह, शंकर महतो ने भाजपा छोड़ कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली है। पूर्व सीएम कमलनाथ की मौजूदगी में इन नेताओं ने सदस्यता ली और पार्टी बदलने के बाद ध्रुव प्रताप सिंह ने और शंकर महतो ने बयान दिया। ध्रुव प्रताप सिंह ने कहा कि वीडी शर्मा बिना मैदानी अनुभव के ही प्रदेश अध्यक्ष बन गए हैं। रेत का एक हाईवा 45 से 50 हजार रुपए में जनता को मिलता है। कई बार शिकायत हुई कि पोकलेन से तो नहीं निकालना चाहिए, और दूसरी बात यह है कि ये भी शिकायत हुई कि रेत की खदान चिन्हित हुआ करती है पूरे जिले में, वो नीलाम होती है, परंतु वर्तमान में तो कहीं भी रेत हो खोदो, चाहे नदी में हो, नाले में हो, फॉरेस्ट में हो, खोदो, लेकिन प्रशासन उस तरफ देखता नहीं है। हमारे प्रेस के बंधुओं ने भी कई बार पेपर में छापा, सोशल मीडिया में डाला, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता है। भ्रष्टाचार तो चरम सीमा पर है। आज गांव गांव में दारू बिकती है, जुआ सट्टा होता है, परंतु उसको रोकने की बजाय प्रशासन उसमें मदद करता है। तहसील एसडीएम कार्यालय तो समझ लीजिए दलालों के अंदर में चले गए हैं कि कोई भी जाता है तो सबसे पहले उन दलालों से मिले, उसके बाद जब एंट्री होती है तो वहां पे भी खर्चा लगे। ये कोई लोकतंत्र नहीं है, ये कोई